हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 5th and 6th of February 2023। तो हम चार तारीख से वैसे हमने नहीं बनाया था, चार और पाँच का एनालिसिस नहीं बनाया था। अच्छी बात यह है कि हमने उस समय क्या किया है मैं आपको बता दूँ। तो हमने एक अपना ऐप बनवा लिया है, नाउ वी हैव ऐप स्पेसिफिकली फॉर द UPSC कोर्सेज एंड ऑल। तो जो भी UPSC के कोर्स अभी तक आपको वेबसाइट और इन सब जगह मिलते थे, तो वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐप के माध्यम से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी आपको सुटेबल लगे, अगर आपको वेबसाइट के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू चाहिए तो आप वेबसाइट के थ्रू आप कोर्सेज एक्सेस करिए, चाहे आप ऐप के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। ऐप में फ़ायदा ये रहेगा कि आपको सारे नोटिफिकेशन जो भी हम डालेंगे, नोट्स भी डालते हैं, तो आपको अवेलेबल रहेंगे। ऐप की लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से डाउनलोड ज़रूर करें। आप लोग का बहुत सारा सपोर्ट हमको चाहिए, तो प्लीज़ डू दैट, डाउनलोड करें और शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। जो भी कंटेंट उसमें आता है उसको अप्रिशिएट करें, पढ़ें और उसको शेयर करते रहें। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि UPSC करंट अफेयर्स का जो 2023 का कोर्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। ऐप के थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी, है ना। तो नीचे ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें कोर्सेज जा करके आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं, और मैं सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी डाल दूंगा। जैसे मेरा फुल कोर्स भी है, उसके मैं सब्जेक्ट वाइज पार्ट भी डाल दूंगा, तो किसी को अगर स्पेसिफिक कोई पार्ट ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर द इन्फॉर्मेशन पार्ट। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। पहला सवाल है, इन डीपर पार्ट्स ऑफ ओशियन प्राइमरी प्रोडक्शन रिमेंस ऑलमोस्ट निल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ। तो प्राइमरी प्रोडक्शन क्यों निल रहता है इन द डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशियन। बहुत ही आसान सवाल है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, एब्सेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वैसे कि जब आप किसी वाटर बॉडी का देखेंगे तो उसकी जो टॉप लेयर है तो उसको बोलते हैं हम फोटिक जोन। फोटिक जोन मतलब जहाँ पर सनलाइट आती है, और नीचे की जो लेयर्स रहती है उसको हम बोलते हैं अफोटिक जोन। अफोटिक जोन बोलते हैं, अफोटिक मतलब जिसमें सनलाइट नहीं आती। एंड सनलाइट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, हमको ये भी पता है। तो चूंकि सनलाइट ही नहीं आती इसलिए वहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो है, ऑटोट्रॉफिक एक्टिविटी बिल्कुल कम है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज द कंट्रीज दैट बॉर्डर रेड सी आर, इनमें से कौन सी कंट्रीज रेड सी को बॉर्डर करती हैं। फर्स्ट इज सऊदी अरेबिया, सेकंड इज यमन, थर्ड इज ओमान, फोर्थ इज सूडान, फिफ्थ इज इरिट्रिया। तो देखो इसमें ओमान टच नहीं करता है, क्यों नहीं करता है मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो लेट मी शो यू द मैप ऑफ रेड सी। तो कुछ इस तरीके से दिखता है रेड सी का मैप, और रेड सी को अगर आप देखें बॉर्डरिंग कंट्री तो सऊदी अरेबिया तो यहाँ आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको इजिप्ट दिख जाएगा, सूडान आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देख रहे हो, और यहाँ पर आपका एरिथ्रिया आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको जिबूती आपका दिख जाएगा, दीज आर द कंट्रीज़। नीचे आपको यमन भी दिख जाएगा, यमन यहाँ पे बाबिल मंडेब भी है, यमन भी है, और यहाँ पर आपको रेड सी दिख रहा है। रेड सी के नीचे आपको यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ एडन दिख रही है, देयर इज अ गल्फ ऑफ एडन, ये जिबूती हो गया। और ओमान जो है तो उधर साइड पड़ता है, मतलब आपका इधर पर्शियन गल्फ की तरफ पड़ता है, मतलब सऊदी अरेबिया के उधर पड़ता है नीचे, तो यमन के साइड में है ना, तो ओमान इसलिए टच नहीं करता है। तो ओमान विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक आइलैंड भी दिख रहा है आपको, फारासान आइलैंड। तो फारासान आइलैंड का भी आपसे पूछा था किधर है, तो रेड सी की तरफ है फारासान आइलैंड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दीज आर द थिंग्स जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल आपको बे ऑफ फंडी के रिगार्डिंग है। मैं आपको क्यों ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली उसका भी एक मैप है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बे ऑफ फंडी क्वेश्चन पूछा है मैंने कि फंडी किस ओशियन में है, तो ये करेक्ट आंसर इसका अटलांटिक ओशियन। तो आप देख सकते हैं दिस इज इन अटलांटिक ओशियन। बे ऑफ फंडी आपको दिख रहा है कनाडा जस्ट उसके इधर साइड, जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ऊपर है, फिर आपका ये कनाडा का नीचे वाला पार्ट पड़ता है, और इधर आपका ये बे ऑफ फंडी पड़ता है, इसके अलावा नीचे फिर आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको पड़ता है। तो दिस पार्ट इज द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन में बे ऑफ फंडी है। तीसरा सवाल वहीं से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तीसरा सवाल है, द बे ऑफ फंडी इट इज़ फेमस फॉर इट्स हाई टाइड्स, इट इज़ लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन। तो हाई टाइड्स के लिए फेमस है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप ये याद रख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट, आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। पहली जो न्यूज़ है वो है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को अबाउट द प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम कोई नया प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना 2016-17 से लॉन्च हुआ प्रोग्राम है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम 2016-17 में लॉन्च हो गया था। डायलिसिस एक वो प्रोसीजर होता है जो कि रिमूव करता है वेस्ट एंड फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी दैट द किडनीज आर नॉट एबल टू रिमूव, है ना।
तो अगर आपकी बॉडी में ऐसा वेस्ट या फ्लूइड है, यानी कि जो किडनी आपका रिमूव नहीं कर पा रही है, तो उसको डायलिसिस के माध्यम से रिमूव किया जाता है। देखो क्यों किया जाता है, आप सबको पता है कि अगर किडनी वीक हो गई या किडनी में किसी प्रकार का ट्रॉमा है या किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो वो वेस्ट का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, वेस्ट को फिल्टर आउट नहीं कर पाएगा, और ऐसे में फिर आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। डायलिसिस का एम यही कि बॉडी में जो बैलेंस है वो करेक्ट लेवल पर है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं ब्लड में ना बढ़े उनको रिमूव किया जाए। डायलिसिस के बिना पेशेंट्स की अगर किडनी फेलियर है तो उनकी ऑब्वियसली बात है उनके बॉडी में बिल्डअप होगा टॉक्सिन्स का, ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिन्स का बिल्डअप होगा और दे फाइनली दे विल डाई। तो दैट इज़ द थिंग विच विल हैपन। डायलिसिस दो तरीके का होता है, मैं आपको बता दूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस। फर्स्ट इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस को ब्लड डायलिसिस भी कहा जाता है। इसमें ब्लड फिल्टर होता है एक मशीन के थ्रू दैट एक्ट्स लाइक एन आर्टिफिशियल किडनी। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे पेशेंट को लिटा देते हैं, यहाँ पे वो मशीन हीमोडायलिसिस की मशीन रहती है, एक नली से खून जाता है, दूसरे नली से खून वापस आता है, मतलब आपका पूरा ब्लड जाता है। ये जो मशीन है ये आपका एक डायलिसिस की तरह काम करती है, किडनी की तरह काम करती है, यहाँ पूरा ब्लड जाता है, यहाँ से पूरा होके ब्लड आता है। तो इस तरीके से आपका ये 3 से 4 घंटे लगते हैं लगभग एक हीमोडायलिसिस में आपके, ठीक है ना। और दैट इज द थिंग। दूसरी होती है पेरिटोनियल डायलिसिस कहलाती है, पीडी बोलते हैं इसको, पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें ब्लड इज क्लीन्ड विदाउट बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जैसे अभी हमने हीमोडायलिसिस में देखा ब्लड पूरा जा रहा था और फिर आ रहा था, फिर वहां दूसरी मशीन से फिल्टर आउट होकर के। इसमें ब्लड इज क्लीन विदाउट बींग रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इसमें एब्डोमेन सैक एक्ट्स एज अ नेचुरल फिल्टर। जो एब्डोमेन सैक होता है उसको नेचुरल फिल्टर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। एंड एक सोल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है एब्डोमेन सैक में और उसके थ्रू फिर ब्लड को वो किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। तो दैट इज द थिंग, दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी दोनों के बारे में, आप समझ में आ गया होगा आपको। लॉन्च हुआ था ये 2016-17 में, नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड नोडल इसका मिशन है नेशनल हेल्थ मिशन, याद रखिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। एम यही है टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ डायलिसिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट टू बिलो पॉवर्टी लाइन बेनिफिशरीज। इसका एम क्या था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बेनिफिशरीज हैं उनको कम से कम फ्री में, क्योंकि डायलिसिस एक बहुत महंगा प्रोसीजर भी, लगभग 1,000-1,500 लगभग एक बार के डायलिसिस में आपके लग जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है काफ़ी महंगा प्रोसीजर भी है, और बिलो पॉवर्टी लाइन को फ्री में मिल सके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसकी अवेलेबिलिटी रहे, इसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। द गाइडलाइंस ऑफ द प्रोग्राम इन विसाज द प्रोविजन ऑफ डायलिसिस सर्विसेज इन पीपीपी मोड। तो पीपीपी मोड का भी इस प्रोग्राम में मेंशन किया गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में सो किया जाएगा। फाइनेंसिंग फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन या 100% एक्सपेंसेस जो हैं वो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही बेयर किए जाएंगे। नॉन बीपीएल पेशेंट्स दे कैन गेट ट्रीटेड एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बाय पेइंग द सेम रेट्स एज पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बीपीएल पेशेंट, ठीक है ना। तो जितना बीपीएल पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट पे कर रही है उतना ही नॉन बीपीएल पेशेंट्स पे करके डायलिसिस का वो ले सकते हैं, ठीक है ना, सुविधा। सेकंड जो न्यूज़ है वो है, देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और द न्यूज़ इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिट्रेट किया दैट द कोलिजियम टेक्स इनटू कंसिडरेशन द सीनियोरिटी ऑफ चीफ जस्टिस एंड सीनियर प्यूनी जजेस वाइल डिसाइडिंग ऑन रिकमेंडिंग जजेस। अब यहाँ पर देखो क्या है, प्यूनी, प्यूनी एक वर्ड आप देखेंगे इसको प्यूनी पढ़ते हैं ना, इसको ऐसे बस मत देखना क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, बोलते ना इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, इसको पढ़ा जाता है प्यूनी, दिस इज रेड एज प्यूनी, ठीक है ना। तो इसको प्यूनी पढ़ना आप लोग भी, मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में मेंशन है। देखो क्या है, प्यूनी का मतलब क्या होता है, द वर्ड प्यूनी का फ्रेंच ओरिजिन है, इसका मतलब होता है लेटर बॉर्न और यंगर, ठीक है ना। इसका जो यूज़ है प्यूनी वर्ड का, ये यूज़ कोलिजियम के रेफरेंस में या जुडिशरी के रेफरेंस में किया जाता है फॉर ऑल दोज जजेस हु आर लेसर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब एनी जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट विल बी अ प्यूनी जज, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये यंगर इन द कंटेक्स्ट, एज के कंटेक्स्ट में, सीनियोरिटी के कंटेक्स्ट में है। तो ऑब्वियसली बात है द सीनियर most will be the chief justice and उसके बाद के जो judges हैं they will be the puny judges, ठीक है ना। and that is the thing which is important। and एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आप सबने पढ़ा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें सिंपल मेजोरिटी से की जा सकती, कभी कई बार आपने ये लिस्ट पढ़ी होगी, उसमें एक लिस्ट में एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपको नंबर्स बढ़ाने हैं प्यूनी जजेस के तो वो पार्लियामेंट कर सकता है विद सिंपल मेजोरिटी, है ना। तो नंबर ऑफ प्यूनी जजेस कैन बी इंक्रीज बाय द पार्लियामेंट by a simple majority, that is another fact which is important। तो ये एक simple majority से बढ़ाई जाने वाली चीज़ है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता था इसके बारे में, important है ये, ठीक है ना।
एंड कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है जो सिंपल मेजॉरिटी वाली कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं, नए स्टेट्स का एस्टैब्लिशमेंट या एडमिशन, नए स्टेट्स का बाउंड्री चेंज करना है, अगर आपको या स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करके नए स्टेट्स बनाने हैं तो भी आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में आपको एबॉलिश करनी है या क्रिएट करनी है तो वो भी पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता है। सेकेंड शेड्यूल में इमोल्यूमेंट्स चेंज करने हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। अलाउंसेस प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर एंड जजेस ये भी चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। कोरम पार्लियामेंट का चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। सैलरीज अलाउंसेस ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी, प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट इट्स मेंबर्स कमिटी सिंपल मेजॉरिटी, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी, नंबर ऑफ प्यूनी जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट सिंपल मेजॉरिटी, कन्फर्मेंट ऑफ मोर ज्यूरिसडिक्शन ऑन सुप्रीम कोर्ट ये भी सिंपल मेजॉरिटी, सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ये आपका सिंपल मेजॉरिटी, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर सिंपल मेजॉरिटी, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंपल मेजॉरिटी, यूनियन टेरिटरीज रिलेटेड चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी, फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्स शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों सिंपल मेजॉरिटी। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरी जो न्यूज़ है वो है लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी है? तो यायात्सो याद रखिएगा, यायात्सो इज द फर्स्ट लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा यायात्सो। अब यायात्सो क्या है? इट इज नोन एज बर्ड्स पैराडाइज फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4820 meters, ठीक है ना, तो ये एक बर्ड्स पैराडाइज कहलाता है, ठीक है ना, एंड इट इज लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4820 meters यायात्सो। द लेक टेक कुड बी रीच्ड फ्रॉम माहे मोनेस्ट्री ऑन द वे टू सो मोरीरी, तो माहे मोनेस्ट्री से सो मोरीरी की तरफ जब आप जाएंगे तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर ड्राइविंग up to the ये सब चीज़ें आपको जाना तो है नहीं घूमने, तो याद रखिएगा दिस इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, यायात्सो बर्ड्स पैराडाइज कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स यूनिक और फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स होते हैं जो, है ना, जैसे मैराइन इकोसिस्टम हो गया या कोस्टल इकोसिस्टम हो गया, टेरिटोरियल एरियाज हो, टेरिस्ट्रियल हो गया या इनलैंड वाटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फ्रेजाइल और यूनिक होना चाहिए। कुछ इसके क्राइटेरिया हैं, मैं क्राइटेरिया बता दूं, जैसे क्राइटेरिया में आप तो इसका क्राइटेरिया है रिचनेस, जो उसमें है बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस होनी चाहिए, ठीक है ना, द फर्स्ट थिंग इज दैट रिचनेस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सेकंड थिंग मैं आपको, लेट मी शो यू दैट, हाँ, रिचनेस ऑफ वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज। सेकंड, एंडेमिज्म ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज़ होने चाहिए। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज, ये सब अगर हो तो और अच्छा है। वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पास्ट प्री एमिनेंस ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉसिल बेड्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पर है तो उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में किया जा सकता है। अब कौन नोटिफाई करता है, हु नोटिफाइज देम, तो सेक्शन 37 जो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट का 2002 का, वो कहता है स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज मे नोटिफाई एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे सेक्शन 37 आप देखेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, तो वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल बॉडीज के साथ कंसल्ट करके किसी भी बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस एरिया को नोटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, लद्दाख में एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में आपको सूचित कर दूं, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट बोलते हैं, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। तो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो है वो पार्ट है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम का पार्ट है सिक्योर हिमालय, और ये फंड किया जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। इसका मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसके साथ UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो है वो स्नो लेपर्ड्स के लिए है। सिक्योर हिमालय इज बेसिकली सिक्योरिंग हैबिटेट फॉर स्नो लेपर्ड्स, और इन ये जो स्नो लेपर्ड से इसके इलीगल ट्रेड को प्रिवेंट करना और इसके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को रोकना और इसके ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखना, ये इसका एम है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के बारे में भी। US शूट्स डाउन बलून, बीजिंग वॉन्स ऑफ रिस्पॉन्स। अब यहां पर एक US ने क्या किया है कि एक बैलून था, हॉट एयर बलून जिसको हम बोलते हैं, तो वो बीजिंग के एक बलून को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके एयर स्पेस में वो ट्रेवल कर रहा था। चाइना ने हालांकि
हालांकि कहा है कि एक सिविलियन बलून था और आपने इसको क्यों किया है ना, ऐसे ही मतलब भद्दा भद्दा कहने लगे, बुरी भली भुली गालियाँ देने लगे है ना, बट ठीक है देखते हैं क्या है, इनकी लड़ाई तो होती रहेगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। आगे बढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, यू कैन मूव हेड विद मी। मोदी टू विजिट पोल बाउंड कर्नाटका, ओपन हॉल्स हेलीकॉप्टर फैक्ट्री टुडे। तो हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उनकी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है कर्नाटका में खुलने वाली है, तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट है ना, तो याद रखिएगा। तो आगे आप बढ़ सकते हैं मेरे साथ, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियाज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज मोर देन अ कोल स्टोरी। तो अब यहाँ पे इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन की बात करेंगे। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो उसको लिख लीजिएगा कि ये GS3 का एक टॉपिक है, एनर्जी ट्रांजिशन GS3 का टॉपिक है, आप लोग GS3 के नोट्स में लिख लीजिए है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐप में डेली ऐसे आर्टिकल्स और इससे रिलेटेड या फिर कोई और आर्टिकल अच्छा अगर मिलता है तो मैं ऐप में शेयर भी करता जाऊँगा आप लोग के साथ, तो आप लोग इसलिए भी ज़रूर डाउनलोड कर लें ऐप को, और कोर्सेज भी आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे इजीली एक्सेस करने के लिए। अब यहाँ पे हम एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक तो एनर्जी ट्रांजिशन और दूसरा है जस्ट, जो जस्ट वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी ट्रांजिशन मतलब क्या हुआ कि कोल की तरफ, कोल से आप नॉन कोल सोर्स यानी कि कोल से आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करोगे, लेकिन दिस शुड हैपन इन अ जस्ट वे। जस्ट वे मतलब जस्टिस के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर प्रेशराइज करके कोई आपको कर दे। तो जस्ट है ना, एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली 3 कंट्रीज के साथ एनर्जी ट्रांजिशन के साइन किए गए हैं, ठीक है ना, एनर्जी ट्रांसमिशन पार्टनरशिप साइन की गई है ना, वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ कर रही है, लेकिन इनमें जस्ट जो है केवल एक कंट्री के साथ हुआ है, बाकी दो के साथ तो ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तो 3 कंट्रीज के नाम कौन कौन से मैं आपको बता दूँ, तो एक तो आपका साउथ अफ्रीका अफ्रीका के साथ हुआ है, ठीक है ना, और एक आपका इंडोनेशिया के साथ, तीसरा वियतनाम के साथ। तो यहां पे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे जस्ट कंपोनेंट जो है, जस्ट कंपोनेंट केवल और केवल कहां पर है, अफ्रीका के साथ। क्यों अफ्रीका के साथ जस्ट कंपोनेंट है, मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो सबसे पहली बात, एनर्जी ट्रांजिशन जब होता है तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। तो एनर्जी ट्रांसमिशन जब होगा तो ऑब्वियसली बात है जो कोल पावर्ड प्लांट है वो आपके डिक्रीज होंगे, ठीक है ना। कोल पावर प्लांट जब डिक्रीज होंगे तो उसमें जो लोग इंप्लॉयड है, द पीपल हु आर इंप्लॉयड इन दीज कोल पावर प्लांट, दे विल लूज देयर जॉब, दे विल लूज देयर जॉब। Second thing is that the governments will require a huge sum of money in order to open the renewable energy plants. ऑब्वियसली बात है रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स को ओपन करने के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए अ ह्यूज सम ऑफ मनी विल बी रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ दीज कंट्रीज, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। तीसरा होगा कि व्हाट विल हैपन टू द रीजन्स जहाँ पर ये कोल पावर प्लांट्स और ये सब थे, उन रीजन्स का क्या होगा, उनके डेवलपमेंट का क्या होगा, उनके आसपास का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू देम, है ना। और ये बहुत सारे स्पेशल इक्विटी कंसर्न्स क्रिएट करेगा, स्पेशल मतलब स्पेस वाइज, मतलब कि एक जगह ज़्यादा डेवलपमेंट होगा हो रहा है या दूसरे का कम डेवलपमेंट हो रहा है, इसके कंसर्न्स को और बढ़ा देगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसको दूर किया जा सकता है वो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कंपोनेंट के साथ, जो जस्ट वाला कंपोनेंट है ना वो इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, जो हम कोल को फेस डाउन करने की बात कर रहे हैं ना, फेस डाउन करने की मतलब कोल को कम करने की बात कर रहे हैं, उसको कम करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स को दूर कर दें तो हम तो जस्ट एनर्जी जस्ट ये ट्रांजिशन हो जाएगा। अब जस्ट कंपोनेंट क्या है, जैसे कि जो लोग वहां पे छूट रहे हैं, जिनका कोल पावर प्लांट से छूट रहा है, तो उनको आप फंड, उनकी स्किलिंग रीस्किलिंग कर सकते हैं या उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी और रीजन में। बहुत सारे कोल माइनिंग में लोग एम्प्लॉयड रहते हैं, कोल माइनिंग के जो लोग हैं उनको आप रीस्किल करके कहीं दूसरी जगह एम्प्लॉय करो। तो ये जो कंपोनेंट जब आप डाल देते हो, दिस इज जस्ट कंपोनेंट। सेकेंड थिंग क्या होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो मनी ट्रांसफर करें, पैसा दें भैया। सबसे पहली बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने के लिए पैसा मिलना चाहिए, तभी तो वो डेवलप कर पाएंगे, वो अपने पैसे से क्यों डेवलप करें। तीसरा ये कि उनको सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करें। क्यों सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डेवलप्ड कंट्रीज ने अपना पूरा डेवलपमेंट, पूरा जो उनको करना था वो कर लिया, उन्होंने खूब एमिशन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब नाउ दे आर प्रेशराइजिंग दीज कंट्रीज, दीज डेवलपिंग कंट्रीज, कि भैया आप जल्दी जल्दी करो, आप ये करो वो करो, अब उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो दैट शुड नॉट हैपन ना, दैट शुड नॉट हैपन। तो यहां पे वही चीज है जो ऑथर ने यहां पे कही है कि दिस शुड नॉट हैपन, एंड ये जस्ट कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, है ना।
सबसे पहली बात हमको ये देखना है कि 2030 तक हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ने वाली है ना, और हम बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम अपना डेवलपमेंट होल्ड पे कर दें जस्ट बिकॉज ऑफ डीकार्बोनाइजिंग, है ना। वी ऑल्सो नीड टू डेवलप, है ना, डेवलप्ड कंट्रीज तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, बट वी नीड टू डेवलप, वी कैन नॉट पुट ऑन होल्ड आर डेवलपमेंट जस्ट बिकॉज वी आर डीकार्बोनाइजिंग, है ना। सो देयरफॉर वी शुड कीप ऑन गोइंग एंड कीप ऑन डेवलपिंग। इसके अलावा हाँ, हमने जो डिसाइड किया कि हम 500 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है या नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है यह हम 2030 तक करेंगे, हमको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम 2030 तक इसको कर पाएं। इसको भी करने के लिए हमको डेवलप्ड कंट्रीज से मदद लेनी चाहिए, उनके थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बहुत सारे मिशन हैं, चाहे वो आप नेशनल ग्रीन मिशन ले लो, चाहे आप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ले लो, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेशनल कार्बन मार्केट, हमने मार्केट मैकेनिज्म भी अभी स्टार्ट किया है कार्बन को ट्रेड करने के कारण, ट्रेड करने के लिए, ताकि जो लोग मतलब अपने कार्बन एमिशंस को बचाएंगे वो इसको ट्रेड करके पैसा भी कमा सकते हैं, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एक्सेलरेटेड वे में हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने के लिए लग सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो, है ना। स्पेशली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें, एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये रूरल जॉब्स भी क्रिएट करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें हमको कोशिश ये करनी है कि हमको सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी करना है। ऑथर ने सजेशन दिया है सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। पहली चीज़ तो आप ये करो कि सोलराइजेशन करो एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का। ग्रीन हाइड्रोजन सेकंड सोल्यूशन है। तीसरा उन्होंने कहा है कि जो डीजल पावर्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करो, डीजल पावर्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का इलेक्ट्रिफिकेशन करो। बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, लिख लेना तीनों आप लोग, सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, थर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ डीजल पावर्ड एमएसएमई, एंड एक चौथा उन्होंने कहा डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर रेसिडेंशियल कुकिंग एंड हीटिंग। रेसिडेंशियल कुकिंग हीटिंग के लिए डिसेंट्रलाइज्ड वे में रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करें, दैट कुड बी डन। ये सारी चीजें यहां पे ऑथर ने सजेस्ट की हैं। इसके अलावा ऑथर ने एक और सजेशन दिया कि आपको एक और चीज करनी चाहिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लीन एनर्जी कंपोनेंट। जो भी ये जस्ट एनर्जी ट्रांसमिशन का ही हिस्सा है कि आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करो, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करो। इसके लिए आपको मदद भी होनी चाहिए, है ना, ताकि आपको दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। भैया हमारे यहाँ कंपोनेंट बाहर से आते हैं इसलिए बहुत महंगे पड़ते हैं, चाइना में इतने महंगे नहीं पड़ते, चाइना खुद मैन्युफैक्चर करता है लार्ज स्केल में। तो हमको कोशिश करनी है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें क्लीन एनर्जी कंपोनेंट्स की, दैट शुड बी आर एम, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट किए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग जस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस, क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आगे मूव करते हैं, आंध्र प्रदेश कैपिटल कनंड्रम। अब यहाँ पे बात चल रही है कि जब से आंध्र प्रदेश बना है, बाइफरकेट हुआ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, 2014 में ये किया गया था, तब से इनके कैपिटल को लेकर के बड़ा बहुत बड़ा विवाद है। पहले हैदराबाद को कॉमन कैपिटल बनाया गया, उसके बाद आपको पता है कि लैंड पूलिंग करी आंध्र प्रदेश में और 33,000 एकड़ का लैंड पूल करके कहा कि अब हम कैपिटल बनाएंगे। अमरावती को सेलेक्ट किया गया, है ना, और उस समय शिव रामकृष्णन कमेटी थी 2014 में अपॉइंट की गई, इसने फेवर किया था डिसेंट्रलाइजेशन का एंड सजेस्टेड दैट विजाग यानी विशाखापट्टनम सब रीजन एज अ पोटेंशियल कैपिटल स्पेस। ठीक है ना, विशाखापट्टनम सब रीजन को उन्होंने कहा था कि पोटेंशियल स्पेस कैपिटल हो सकती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू थे उस समय, उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम तो ऑलरेडी डेवलप्ड है एंड उसके मतलब उन्होंने कहा कि इसको हम फाइनेंशियल कैपिटल रखेंगे, एक हम ग्रीन फील्ड कैपिटल बनाएंगे, ग्रीन फील्ड मतलब कि एक नए रीजन को डेवलप करेंगे, इसमें अमरावती को सेलेक्ट किया गया। लेकिन 2019 में क्या हुआ, वाईएसआर कांग्रेस ने फीड कर दिया तेलुगु देशम पार्टी को, चंद्रबाबू नायडू थे तेलुगु देशम पार्टी को, वाईएसआर कांग्रेस ने रिमूव कर दिया और जीएन राव कमेटी नहीं बनाई। अब जीएन राव कमेटी ने एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि कैपिटल विशाखापट्टनम के लिए कह दिया। तो अब इन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश में जो नई गवर्नमेंट थी उसने कहा कि ठीक है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम को हम बनाएंगे एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कुरनूल को बनाएंगे जुडिशियल कैपिटल एंड अमरावती को रखेंगे लेजिस्लेटिव कैपिटल। ठीक है ना, तो विशाखापट्टनम विल बी द एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कुरनूल विल बी द जुडिशियल कैपिटल एंड अमरावती विल बी द लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो अब ये चीज़ थी 2020 में क्या हुआ, असेंबली ने अप्रूव कर दिया रिपीलिंग ऑफ द आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन जो एक्ट था उसको हटा दिया और एक नया बिल लेकर के जिसमें तीन कैपिटल्स की बात की गई। अब तीन कैपिटल के ऊपर याद रखेगा, आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उसमें
रोक लगा दी। दिस हाई कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट जिसमें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप नहीं, आप APCRDA एक्ट फॉलो करो और अमरावती को ही स्टेट कैपिटल रहने दो, बाकी ये सब कैपिटल को बनाने का छोड़ो। फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया कोर्ट्स कैन नॉट एक्ट एज टाउन प्लानर्स, कोर्ट शुड नॉट एक्ट एज टाउन प्लानर, है ना। लेकिन उन्होंने अपने फाइनल जजमेंट को रिजर्व करके रखा है, अभी हियरिंग चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कॉनंड्रम जो है कैपिटल का वो चल ही रहा है। साइंटिस्ट्स टेक ऑन यूनियन बजट 2023-24, साइंटिस्टों का क्या कहना है बजट को लेकर के, तो ये अमृतकाल का जो बजट है वो फेवरेबल है इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, ऑब्वियस सी बात है। CSIR का एक एक्टिव प्रेजेंस है, उसके ऊपर फोकस किया गया है, और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस किया गया है, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। दूसरा आपको पता है सिकल सेल अनीमिया के लिए एक मिशन बनाया गया है, प्रॉपरली सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक एलिमिनेट करना है, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करना है। सिकल सेल एनीमिया मैंने आपको बताया था कि जो RBCs है उनका शेप ऐसा हो जाता है, सिकल जैसा, हंसिया जैसा हो जाता है, और ये फिर ब्लड में ऑक्सीजन की जो होती है मात्रा उसको कम हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा CSIR का एक ongoing आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जो कि AI applications को augment करेगा, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा इनोवेशन इन फार्मास्यूटिकल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की बात की जा रही है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। ऑथर ने हालांकि ये कहा है कि हमको और फोकस करना चाहिए बायो, हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर है। इसके अलावा हमको वन हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए, वन हेल्थ शुड बी आर फोकस, क्योंकि आजकल जूनॉटिक डिसीजेज हैं और एनिमल और ह्यूमंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटरचेंज हो रही है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं अगर कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है तो हम मूव करेंगे। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड्स टू फॉर्म ए स्पेशल पैनल टू ट्रेस एंड सर्टिफाई 24 मिसिंग मॉन्यूमेंट्स। तो अब ASI एक टीम बना रहा है ना, एंड इसमें फिर वो कमिटी बना करके डिसाइड करेगा 24 मिसिंग मॉन्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं ASI के बारे में। ASI क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इट इज़ अ अटैच्ड एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अटैच्ड एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है। इट इंगेजेस इन आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन, इसके अलावा प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन द कंट्री। ASI का काम क्या है, मेजरली बेसिकली दो एक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करता है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट जिसको आप AMASR एक्ट बोलते हैं 1958 का, दूसरा है आर्ट एंड एंटिकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 का, इन दोनों को ही मॉनिटर करता है। 1861 में इसका फाउंडेशन हुआ था, पहला जो इसका डायरेक्टर था वो था अलेक्जेंडर कनिंगहम इसके फर्स्ट थे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल, इसके पहले एक और सोसाइटी थी एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में विलियम जोन्स ने बनाई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंगहम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, एंड ये एक जो बॉडी है ASI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, AMASR एक्ट के अंदर कहती है, इसको डायरेक्टर जनरल की रैंक हेड करती है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके तीन पब्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है, एंशियंट इंडिया, एपिग्राफिया इंडिका, इंडियन आर्कियोलॉजी, तो ये कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं जो कि आपको बता दी मैंने। इसके अलावा एक और नई पार्टी बन रही है त्रिपुरा में, त्रिपुरा में इलेक्शंस होने वाले हैं आप सबको पता है, उसमें एक नई पार्टी है त्रिपुरा मोथा, ठीक है ना, एक याद रखिएगा त्रिपुरा मोथा, इट इज़ त्रिपुराज न्यूएस्ट लोकल पार्टी दैट हैज़ वोट फॉर इक्वल रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर LGBTQ, तो इन्होंने अब कहा है कि हम सबको बराबरी का अधिकार देंगे, त्रिपुरा मोथा नाम काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। विंडफॉल टैक्स, देखो क्या होता है विंडफॉल टैक्स, मैं आपको बता दूं, एक होती है विंडफॉल प्रॉफिट। विंडफॉल प्रॉफिट क्या होती है, मान लो अचानक से जैसे ऑयल के दाम बढ़ गए, अचानक से जब ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो OMC यानी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जब कभी सडन किसी अननोन कारण से या किसी ऐसी एक्सीजेंसी या इमरजेंसी के कारण से अचानक से आपके प्राइजेस बढ़ जाए, है ना, तो वो अचानक आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो विंडफॉल प्रॉफिट कहलाता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इसी विंडफॉल प्रॉफिट के ऊपर एक टैक्स लगा देती है, क्योंकि आपको अचानक से मिला था कि है ना, तो इसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।